भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जोर देते हुए कहा है कि लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से डरना नहीं चाहिए। रविवार को संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने लोक अदालत के तौर पर अपनी भूमिका निभाई है और नागरिकों को अदालतों का दरवाजा खटखटाने से नहीं डरना चाहिए या इसे अंतिम उपाय के रूप में नहीं देखना चाहिए। जिस तरह संविधान हमें स्थापित लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के माध्यम से राजनीतिक मतभेदों को हल करने की अनुमति देता है, अदालती प्रणाली स्थापित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के माध्यम से कई असहमतियों को सुलझाने में मदद करती है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि पिछले 7 दशकों में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत के रूप में काम किया है। हजारों नागरिकों ने इस विश्वास के साथ कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं कि उन्हें इस संस्था के माध्यम से न्याय मिलेगा। आम नागरिक अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ जवाबदेही, बंधुआ मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा, आदिवासियों को अपने होमलैंड की सुरक्षा की मांग, हाथ से मैला ढोने जैसी सामाजिक बुराइयों की रोकथाम और यहां तक कि स्वच्छ हवा पाने के लिए हस्तक्षेप की उम्मीद के लिए अदालत में आते हैं। ये मामले अदालत के लिए सिर्फ उद्धरण या आंकड़े नहीं है, ये मामले सुप्रीम कोर्ट से लोगों की अपेक्षाओं के साथ साथ नागरिकों को न्याय देने के लिए अदालत की अपनी प्रतिबद्धता से भी मिलते जुलते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि व्यक्तियों को अदालतों के जाने से नहीं डरना चाहिए या इसे अंतिम उपाय के तौर पर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी आशा है कि हमारे प्रयासों से हर वर्ग, जाति और पंथ के नागरिक हमारी अदालत प्रणाली पर भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारों को लागू करने के लिए इसे निष्पक्ष और प्रभावी मंच के रूप में देख सकते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतें अब लाइव स्ट्रीमिंग कार्यवाही कर रही हैं और अब यह फैसला इस दृष्टि से लिया गया है कि नागरिकों को पता होना चाहिए कि कोर्ट रूम के भीतर क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.